हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ मनी टैप्ड इन अ बैंक अमाउंट्स ₹1240 इन 4 ईयर्स एंड ₹1600 इन 10 ईयर्स एट SI सिंपल इंटरेस्ट फाइंड सम। देखिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए। आप इसको क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो एप्टीट्यूड मेथड से कर लीजिए और चाहे तो हम लोग सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ रहे हैं उस मेथड से करेंगे इसको। देखिए क्या बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी कैप्ट इन अ बैंक, कि कोई भी एक बैंक है जिसके अंदर आपके पास कोई भी पैसा है। सबसे पहले अमाउंट का मतलब समझिए कि अमाउंट का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है, जो आपके पास पैसा होता है। मान लीजिए कि आप बैंक में गए और आपने बैंक को ₹100 दिया, क्या किया बैंक को आपने ₹100 दिया, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल। यदि मैं बात करूं अमाउंट क्या होता है बच्चों, तो अमाउंट का जो मतलब होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो देखिए यहां पर अमाउंट का मतलब क्या है कि आपके पास प्रिंसिपल कितना है, मतलब आपके पास पैसा कितना है, ₹100 है, और प्लस में बैंक ने आपको कितना इंटरेस्ट दिया है। आप देखते हैं कि हर एक बैंक अपना डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट देता है, 8%, 13%, जो भी वो 1 साल का इंटरेस्ट देता है। आप ₹100 का 13%, मतलब कि ₹13 हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि ₹113 जो हो गया वो आपका अमाउंट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई कि आपके पास प्रिंसिपल कितना है ₹100, इंटरेस्ट कितना हो गया, बैंक ने किसी भी बैंक ने आपको 13% के हिसाब से दिया। 13% मतलब क्या हुआ कि ₹100 का 13%, मतलब टोटल जो अमाउंट हो गया वो आपका कितना हो गया ₹113। तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी कैप्ट इन अ बैंक, किसी भी बैंक के अंदर रखा गया जहां पर अमाउंट जो है वो 1240 है इन 4 ईयर, 4 साल के अंदर जो अमाउंट है वो कितना है 1240 एंड ₹1600 इन 10 ईयर्स। मतलब क्या हुआ कि अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट 1240 इन 4 ईयर एंड ₹1600 इन 10 ईयर अमाउंट हो गया। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं अमाउंट इन 4 ईयर इज इक्वल्स टू ₹1240, अमाउंट इन 10 ईयर्स इज इक्वल टू ₹1600। बात समझे नहीं समझे, आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम। सम मतलब कि प्रिंसिपल होता है, आपको बताना है कि आपने कितने रुपए बैंक को दिए हैं, मतलब आप लोगों ने कितने रुपए आपने बैंक को दिए जिसके ऊपर आपका 4 साल के अंदर इतना हो गया और 10 साल के अंदर वो इतना हो गया। अब देखिए यदि मैं बात करूं कि 4 साल के अंदर जो आपके पास पैसा है वो कितना है 1240 है, 10 साल के अंदर कितना है ₹1600 है, तो इन दोनों का मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं सिंपल इंटरेस्ट इन 10 इन 6 ईयर बोल दीजिए। मतलब कि क्या हुआ, मैं 6 साल का निकाल देता हूं, इनके बीच का कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मतलब क्या हुआ 1600 माइनस में 1240, इसको मैं माइनस कर दूं तो कितना हो गया रुपीज, कितना हुआ ये देखिए 06 360। मतलब क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट 6 साल का कितना हो गया आपके पास ₹360 हो गया। बात समझ गए ना कि मतलब 4 साल के अंदर इतना था, ये रियल में क्या है, ये आपके पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपके पास ये है, क्योंकि मैं यहां पर अमाउंट लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर अमाउंट 10 साल में कितना हो गया, इतना हो गया। मैं यदि 6 साल का निकाल रहा हूं तो 6 साल की मैं यहां पर अमाउंट नहीं निकाल रहा हूं, यहां पर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूं कि 6 साल के अंदर वो कितना बढ़ा। मतलब 4 साल में आपके पास 1240 था, अगले 6 साल के अंदर वो 1600 हो गया। मतलब क्या हुआ कि कितना इंटरेस्ट बैंक ने दिया, तो वो कितना दिया, सिर्फ ₹360 दिया। बात समझ में आ गई। अब देखिए यदि मैं बोलता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर कितना आएगा, ₹360/6 1 साल का आ जाएगा, यूनिटी मेथड। तो मतलब क्या हुआ कि 1 साल के अंदर कितना रुपए हो गया, ₹60 हो गया। ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। बात समझ में आ गई, आपको सम निकालना है, सम कितना होगा। अब देखिए
आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया कि एक साल के अंदर बैंक आपको जो पे किया करेगा वो कितना करेगा, 60 रुपए पे करेगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब आपको मैंने एक चीज पढ़ाई है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल या फिर आप इसको सम बोल दीजिए प्लस में इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए अमाउंट आपके पास 4 साल का गिवन है कितना, 1240। प्रिंसिपल आपको निकालना है, यदि मैं बोलूं प्रिंसिपल आपको चाहिए तो प्रिंसिपल आप क्या लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस में इंटरेस्ट। तो देखिए यदि आपको प्रिंसिपल चाहिए तो अमाउंट आपके पास कितना है, 4 साल का 1240 माइनस में इंटरेस्ट, भी तो 4 साल का ही लोगे, 1 साल का इंटरेस्ट आपके पास 60 रुपए है, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 × 60, मतलब कि 1240 माइनस में 240, मतलब कि आपके पास जो 1000 रुपए हैं वो आपके पास क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। मतलब कि आपने जो बैंक को जो दिया वो कितना रुपए दिया, 1000 रुपए दिया। उस 1000 रुपए का 4 साल के अंदर परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 1240 हो जाता है, और 10 साल के अंदर कितना हो जाता है, 1600 हो जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि आप लोग हमेशा 4 साल का निकालेंगे, कितने का भी निकाल लो, बस ये याद रखिएगा कि आपको जो अमाउंट जितने साल का यूज करोगे, जैसे कि तुम 10 साल का यूज कर रहे हो तो यहां पर तुम जो इंटरेस्ट होगा वो भी 10 साल का ही माइनस करोगे, वहां से भी आपका यही आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ये आपके पास, इस चीज को आप अपने ध्यान में रखिएगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके।